हेलो, क्लास नाइन के सभी विद्यार्थियों को मेरा सुप्रभात। आप सभी मुझे देख रहे होंगे आपके ऑनलाइन क्लासेस में। मैं विजय सर आपके साइंस बायोलॉजी के पहला चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई के बारे में कुछ चर्चा करें कि जीवन की मौलिक इकाई क्या है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये पृथ्वी जीवों का एक बहुत बड़ा संसार है, जिसमें पादप जगत और जंतु जगत दोनों ही समृद्ध। कुछ जीव तो इतने सूक्ष्म होते हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का सहारा लेना पड़ता है, जैसे अमीबा, पैरामिशियम, फंजाई इत्यादि। और कुछ जीव इतने बड़े होते हैं कि उन्हें देखकर हमें आश्चर्य होता है, जैसे एलिफेंट, हाथी, बरगद, पीपल का पेड़ इत्यादि। जीवन की मौलिक इकाई में सबसे पहले हम कोशिका पे चर्चा करेंगे कि कोशिका क्या है, इसकी खोज किसने की और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए पहला स्टेप में हम चर्चा करते हैं कोशिका पे कि कोशिका क्या है। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। उन्होंने कोशिका पे गहन अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि कोशिका जीवों की अंगों की संरचनात्मक और क्रियात्मक की मूलभूत इकाई है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग। दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार बहुत सारे ईंट मिलकर एक बड़ा भवन का निर्माण करता है, उसी प्रकार बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर जीवों के अंगों का निर्माण करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर के अंगों का निर्माण बहुत प्रकार के कोशिकाओं के मिलने से हुआ है। अब दूसरा स्टेप में हम चर्चा करते हैं कि आकार की दृष्टि के अनुसार कोशिका को दो वर्गों में रखा गया है। पहला एक कोशिकीय कोशिका और बहुकोशिकीय कोशिका। एक कोशिकीय कोशिका हम उसे कहते हैं जिसमें जीवों का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, उसे हम एक कोशी कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामिशियम इत्यादि। बहुकोशिक यानी वैसे कोशिका जिसमें जीवों का शरीर बहुत सारे कोशिकाएं यानी एक से अधिक कोशिकाएं से मिलकर बना हुआ, उसे हम कहते हैं बहुकोशिक कोशिका, जैसे मनुष्य, कुछ पादप इसमें सम्मिलित है। अब तीसरा स्टेप में हम चलते हैं कि सबसे छोटी कोशिका किसे कहते हैं। तो सबसे छोटी कोशिका हम माइकोप्लाज्मा को कहते हैं, जिसका आकार 0.1 mm से 0.5 mm तक होता है। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा को हम कहते हैं, जिसका आकार लगभग 170 mm होता है। अब नेक्स्ट हम आप सबों को ये बताएंगे कि कोशिका को यानी तुलनात्मक दृष्टि के अनुसार कोशिका को दो वर्गों में बांटा गया है, पादप कोशिका एंड जंतु कोशिका। अब दोनों कोशिकाओं में कुछ तुलना है, अंतर है, जो मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बता रहा हूं। नंबर 1, पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं,
जंतु कोशिका में हरित लवण नहीं पाए जाते। पॉइंट नंबर टू, पादप कोशिका में रिक्तिका यानी वैक्यूल बड़ी होती है, आकार उनका बड़ा होता है, और जंतु कोशिका में ये छोटे आकार की होती है। पॉइंट नंबर थ्री, पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जंतु कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। नंबर फाइव, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। तो हमने देखा कि जीवन की मौलिक इकाई में क्या है, कोशिका पे हमने चर्चा किए, और आज के क्लासेस में बस इतना ही। मैं अंत में आप सभी विद्यार्थियों को ये कहूंगा कि अगर आप मुझे देख रहे होंगे और मैंने कोशिका और जीवन के मौलिक इकाई पे जो चर्चा किया है इस वीडियो के माध्यम से, तो आप सभी इस वीडियो को देखें और हो सके तो अपने कॉपी पे मेरे बताए गए पॉइंट्स को नोट करें और बाद में उसको फिर कॉपी तैयार कर लें। आज के क्लासेस में बस इतना ही। अगर इस वीडियो के माध्यम से मैंने आज जो चर्चा किया उस पर कहीं भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ या कोई आपके मन में प्रश्न उठ रहा हो या कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप मेरे बताए गए नंबरों पे कॉल करके आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मेरा नंबर 9304133517 पे आप कॉल करके आप अपने प्रश्नों का जवाब जान सकते हैं। मैं आपके सभी प्रकार के प्रश्नों को यथासंभव सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लासेस में मेरी मुलाकात होगी। धन्यवाद।